हेलो बच्चों, मैं रविंद्र कुमार गुप्ता सुभागी देवी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ, आज हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 1.5 की। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, बताइए कि नीचे दिए गए संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो आप जान रहे हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में हो परन q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो आप ये देख रहे हैं और जिसका भी एक्स वैल्यू हो, तो आप देखेंगे पहले यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या। फिर अपरिमेय संख्या, अब ये देख रहे हैं कि परिमेय संख्या क्या हो। पाला दिया है आपका 2 -√5। अब ये देख रहे हैं √5 है, यह पूर्णांक नहीं होगा, न पी वाई क्यू के रूप में होगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो अपरिमेय संख्या के में क्या लिखेंगे, 2 -√5 किया हो गया। अब ये देख रहे हैं दूसरा आपका दिया हुआ है, दूसरा 2 +√23 ब्रैकेट में, सॉरी ये 3 है, -√23। अब ये देख रहे हैं इसको तोड़ेंगे 3 + √23 -√23, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, 3 आएगा। अब 3 आया, इसके बटे 1 आप लिख सकते हैं कि अब p बाय q के रूप में हो गया, यहाँ दर्शाएंगे जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या आपका, दूसरा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा यानी 3 + √23 -√23। अब ये देख रहे हैं तीसरा जो दिया है, तीसरा सवाल आपका यह दिया हुआ है 2 √7 √7। देख रहे हैं √7 से √7 कट जाएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। यह भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देख रहे हैं चौथा 1 √2 है, यह पूर्णांक के रूप में नहीं होगा, तो आपका परिमेय हो जाएगा 1 √2। पांचवा देख रहे हैं दिया है 2π। अब यहाँ दिया है पाई, आपको याद होना चाहिए कि पाई ऑलरेडी अपरिमेय संख्या होती है। कभी कभी आप पाई का मान 22/7 रखते हैं, अगर ये पाई की वैल्यू दिया रहता 22/7 तो यह आपका परिमेय होता, लेकिन पाई दिया है तो इसको सदा हम अपरिमेय संख्या होते, तो यह अभी आपका क्या हो जाएगा, 2π अपरिमेय हो गया। तो कौन कौन परिमेय है आपका, दूसरा और तीसरा परिमेय संख्या है, बाकी पहला चौथा और पांचवा अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, दिया है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। पहला इसमें दिया है 3 + √3 √2 + √2। अब इसको हमें सरल करना है, तो यह देखेंगे किसको हम सरल कैसे करें।
इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2। सरल करेंगे, इस 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, फिर इस 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा 3 इंटू अंडर रूट 2, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 और 2 का क्या हो जाएगा प्लस 2√3 हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा अंडर रूट 6। अब ये देख रहे हैं कि ये आपका और कोई फैक्टर नहीं होगा क्योंकि ये 3√2 है और ये 2√3 है। अगर यहाँ √2 होता, यहाँ भी √2 है, तब इसको हम क्या कर सकते थे, ऐड कर सकते थे, लेकिन इसका अंडर रूट 2 है और यहाँ अंडर रूट 3 से ऐड नहीं होगा। तो आप इसको और डिटेल से या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 6 प्लस 3 ये कर सकते हैं, अंडर रूट 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, ये आपका सर्वोत्तम रूप हो गया। दूसरा क्वेश्चन, 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 माइनस अंडर रूट 3। अब इसको आप सरल करेंगे, 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 3। एक तो डायरेक्ट तरीका है, ए इसको मान लें, बी इसको मान लें, ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया। तो सूत्र आप जान रहे हैं, अगर एक क्वेश्चन में ए प्लस बी हो और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी हो तो सूत्र क्या हो जाता है, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक तो तरीका सूत्र के द्वारा और एक इसका मल्टीप्लाई करके, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 9, 3 का इसमें करेंगे आगे डिजिट चिन्ह है तो माइनस 3 इंटू अंडर रूट 3, इस अंडर रूट 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 अंडर रूट 3, इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस हो जाएगा अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि यह प्लस है, माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, 9 माइनस क्या हो जाएगा 3, 9 में से 3 घटाएंगे 6। तीसरा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब ये देख रहे हैं कि अगर हम इसको ये मान लें, इसको बी मान लें, फिर फार्मूले से भी आप हल कर सकते हैं। अगर फार्मूला आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद है तो सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं या तो इसको दो बार तोड़ के गुणा कर सकते हैं। तो हम फार्मूले से इसको हल कर रहे हैं, दो कंडीशन है, या तो इसको अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 इसको स्क्वायर या दो बार आप कर सकते हैं अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, तो प्रोसेस थोड़ा बढ़ जाएगा। इसलिए हम सूत्र से लगाएंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब आप देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ए की जगह पर क्या है अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, ए की वैल्यू कितना है अंडर रूट 5 इंटू बी की वैल्यू क्या है अंडर रूट 2 प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा। तो 5 और 2 कितना हो गया 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, ये आपका सरलतम रूप। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2
टू अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट। अब देखेंगे कि इसको ए मान लो इसको बी मान लो तो यह भी ए हो जाएगा या भी बी हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन में ए माइनस बी एक क्वेश्चन में ए प्लस बी तो सूत्र आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं सूत्र में रखकर तो क्या हो जाएगा इसका या तो इसमें मल्टीप्लाई करके हल करें या तो सूत्र के आधार पर हल करें। सूत्र के आधार पर हल करेंगे तो अंडर रूट फाइव का स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू का स्क्वायर। अंडर रूट फाइव का स्क्वायर होगा तो रूट खत्म हो जाएगा फाइव अंडर रूट टू का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा टू। तो फाइव में टू जाएगा कितना हो जाएगा थ्री। ये आपका हल हो गया। दूसरे तरीका से इसको मल्टीप्लाई करके आप हल कर सकते हैं अंडर रूट फाइव पर अंडर रूट फाइव के साथ गुणा करेंगे क्या हो जाएगा अंडर रूट खत्म हो जाएगा फाइव हो गया। अंडर रूट फाइव का इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस अंडर रूट टेन हो गया। माइनस अंडर रूट टू का प्लस अंडर रूट फाइव में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा सॉरी माइनस हो जाएगा अंडर रूट कितना हो गया टेन। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा टू। ये देख रहे हैं माइनस ये प्लस है कैंसिल हो गया क्या बचा फाइव माइनस टू। फाइव माइनस टू को बताएंगे कितना आएगा थ्री आएगा। प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।